साथियों नमस्कार। बहुत दिनों से मैं आप लोगों को कोई वीडियो नहीं दे पाया था, थोड़ी इंटरनल कुछ दिक्कत हो गई थी जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं दे पाया, बट मैं अब लगातार ये प्रक्रिया चालू रखूँगा। साथियों, जो मेरा वीडियो बनाने का या YouTube चैनल स्टार्ट करने का मेन जो रीज़न है वो यही है कि जो भी हमारे साथी हैं दबे हुए हैं, न जानकारी के अभाव में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, जानकारी है ही नहीं और है भी तो अधूरी है, तो उस जानकारी को वो इस वीडियो को देख करके फुलफिल करें और निरंतर आगे बढ़ें। और निरंतर आगे तभी इंसान बढ़ता है जब उसकी सोच बुलंद होती है। प्रगति में सबसे बड़ा जो रोल है वो सोच का होता है। साथियों, सोच अगर बुलंद है, जज्बा है अंदर कुछ कर दिखाने का, आगे बढ़ने का जज्बा, कुछ अपना नाम छोड़ के जाने का जज्बा, अपनी शोहरत फैलाने का जज्बा, डेफिनेटली ईश्वर उसकी मदद करता है और रास्ता खुद ब खुद सामने आने लगता है और इंसान डे बाई डे तरक्की की सीढ़ियां चढ़ता जाता है। इसलिए मैं आप लोगों को गुजारिश करूंगा कि जो भी चीज़ें हैं, यूट्यूब हो, गूगल हो या कोई आदर्श व्यक्ति हो, उससे हमेशा सीखते रहना चाहिए, क्योंकि सीखने का कोई अंत नहीं होता। साथियों, जितना भी सीख लिया जाए लाइफ में वह अच्छी बात है और सीखते रहिए, डेली सीखते रहिए, मगर सीखते सीखते तरक्की की राह भी चलना ज़रूरी है। तो आज मैं आप लोगों को वॉशिंग एसओपी के बारे में बताऊंगा, जो बहुत वैल्यूएबल एसओपी है। वॉशिंग यानी गारमेंट इंडस्ट्री की बहुत बड़ी कड़ी, बहुत बड़ा जान यानी रीढ़ की हड्डी। अगर हर डिपार्टमेंट में गलतियां हो जाए साथियों तो उसे बचाया जा सकता है, मगर एक बार वॉशिंग में ज़रा सी भी भूल हो गई तो लॉट खराब हो सकता है, शेड खराब हो सकता है, गारमेंट कट सकता है, गारमेंट में कुछ और दिक्कतें आ सकती हैं, कलर जा सकता है, बहुत तरह की प्रॉब्लम आ सकती है साथियों। तो वॉशिंग में कौन से वो रोल हैं, क्या क्या ध्यान रखना चाहिए कि वॉशिंग आपकी अच्छी हो और गारमेंट आपका अच्छे से पैक हो और डे बाई डे ऑर्डरिंग का सिलसिला बढ़ता रहे, इसके लिए आप वॉशिंग एसओपी बहुत ध्यान से देखना, जो मैं स्क्रीन पे अटैच कर रहा हूँ और उसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप उसको अच्छे से पढ़ें और जानकारी प्राप्त करें। थैंक यू साथियों, बाय बाय, गुड नाइट।